काफी सारे सवाल पूछे गए है, लेकिन उधरों जो मुख्यमंत्री का बयान आया है खट्टर का, वह बड़ा अपने आप च एक इंपोर्टेंट गल है। उन्होंने जिस तरह स्ट्रोंगली डिफेंड किया है संदीप सिंह नूं, आई डोंट नो दे पिछे की कारण है। तो मेरा सवाल यह है भी एक तो इंडिया दे विच थोड़ी कितने औरतां बाहर आंदियां नहीं खुल के, क्योंकि उन्होंने यह लगता कि स्टिगमा है कि ऐसी औरत उत्ते एक फिर एक धब्बा लग जाता है कि भाई ये औरत जिहड़ी है, और औरतां मोस्टली मैं देखिया है अवॉयड कर दी है इहो जिहे इशूज नूं रेज करना, डरदी है कि इंसाफ मिलना नहीं। पर इन्ने लंबे अरसे तक इस औरत नाल जो कुछ हुंदा रहा, जिवें इसनूं तंग परेशान किया गया, और जो उसने खुल के हिम्मत करके जो अगे आई ही आई है, तो मेरे ख्याल दे विच उहदा इह वी मैं दो तीन बार इंटरव्यू दी मैं सुनी है जिहदे च उह कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री दे स्टाफ नाल कई बार गल की, मुख्यमंत्री नूं मिलन की कोशिश की, किसी पास्यों किसी ने मेरी कोई गल सुनी नहीं। आखिरकार उसनूं फिर हरियाणा का जिहड़ा ओलंपिक फैडरेशन के जिहड़े हैड ने, वह बाई चांस गल वक्री है कि मिस्टर चौटाला जिहड़े चौटाला वह पोलीटिकल लीडर भी ने वैसे, कि उन्हां दा कहना सी कि मैनूं उन्हां कोल जा के फिर जिहड़ी है सारी गुहार लगानी पई। इस मामले तुहाडे कोल की अपडेट है सारी? देखो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि साढ़े जिहड़े इस तरह के खिडारी ने जिन्हां नूं असीं स्पोर्टिंग आईकॉन्स मंनदे हां, जिन्हां नूं बड़े हाई स्टीम च रखते हैं, और उसे स्टीम हाई रखद होया उन्होंने लोगों ने पोलीटिकली भी अक्सैप्ट किया, उन्होंने एक पोलीटिकल लीडरशिप का एक रोल भी दिता। और देखो जदों तुहाडा असी एक कंट्री हाँ, इंडिया एक अजिहा कंट्री है जिहदे हीरो वॉरशिपिंग बड़ी हुंदी है, साडे लोग एकदम जल्दी हीरो बन जांदे ने, चाहे वह बॉलीवुड स्टार ने, चाहे बॉलीवुड स्टार ने, चाहे क्रिकेट स्टार ने, चाहे वह सिंगर ने, चाहे वह प्लेयर ने, चाहे वह एथलीट ने, चाहे कोई भी होवे, असी बहुत जल्दी हीरो बना लैंदे हां। उस तों बाद असी अपने हीरो की वॉरशिप करदे हां, असी उन्हां बारे कोई गलत गल नहीं सुनना चाहुंदे, बेशक उह कुछ गलतियां करदे वी होण। सो इस तरह की साड़ी धारणा बन जाती है, असी देश में साढ़े हमेशा धारणा बनती आ रही है। बहुत बारी बहुत सारे केस इदा के होए जे कि बिल्कुल लोगों ने इस करके एक्सैप्ट नहीं किए कि नहीं नहीं साडा हीरो है, इस तरह के काम नहीं कर सकता, इस तरह नहीं हो सकता। सो इसे तरह ही यह जी महिला कोच है, जी वुमेन कोच है, जूनियर कोच है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करनी पई है, जिवें जे जो जे वह कह रही है जी उहदे विच कोई सच्चाई है, लगता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करनी पई है और करनी पवेगी अल्टीमेटली उन्होंने जस्टिस हो सके। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का देखो, चीफ मिनिस्टर इज लाइक ए फादर ऑफ ए फैमिली, हरियाणा जे तुम पूरी फैमिली मनो, तो मुख्यमंत्री का काम है कि हरेक गल सुने तो जस्टिस करे, उसका यह काम नहीं बनता कि एक धर्म खड़ा हो जाए कि नहीं ये बंदा गलत नहीं कर सकता, दूसरा बंदा जब शिकायत लगा रहा वो गलत हो सकता। तो मुख्यमंत्री का एक रोल जोड़ा है, एक अहदा इदा का है कि वो काम है कि सबन जस्टिस दे, सारे लोगों लैके चले और स्टेट को अगे लैके चले। लेकिन जेडे उन्होंने बयान दिते ने कि गिल्टी का की मतलब है, गिल्टी तो हों जे चार्ज प्रूव हो जाए, तो चार्ज लगाने को गिल्टी नहीं हो जाता, और जो उन्होंने स्टेटमेंटा दतिया ने, लगता है किसी ना कि चीफ मिनिस्टर के दिल में कोई ना कोई एक साफ कॉर्नर जरूर है संदीप सिंह लई। हो सकता है कि वह जस्टिफाइड भी होने ट्रस्ट हो, ट्रस्ट शायद पूरा भी उतरे, लेकिन फिलहाल जदों किसी पर कोई एलीगेशन लगता है उस तो बाद स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, और पंजाब हरियाणा ने बनाई टीम, चंडीगढ़ ने अपनी टीम बनाई है, जैसे केस रजिस्टर होया उन्होंने अपनी टीम बनाई है। तो जब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तद तक चीफ मिनिस्टर साहब न, मेरा ख्याल है कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब न उन्होंने कहना चाहिए कि लेट अस वेट फॉर द रिपोर्ट, आई वॉन्ट कमेंट, आई एम नॉट एबल टू कमेंट बिकॉज आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड दोनों ही मेरे बच्चियां बराबर ने, संदीप भी तो कंप्लेनेंट भी, तो लेट इन्वेस्टिगेशन भी हेड इन ए फेयर मैनर, जिदा का लॉ के सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, जे गलती होया तो उन्होंने सजा मिलेगी। परंतु यह कह देना कि बार बार नहीं नहीं संदीप तो गिरती नहीं है, वो एक महकमा ले लिया, बाकी मिनिस्टर रहेगा हले भी, वो अभी उन्होंने को मिनिस्ट्री हैगी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का डिपार्टमेंट हैगा और इंक्वायरी चल रही है, और कल लड़की की पूरी स्टेटमेंट बहुत लंबा समा चली सैक्टर 26 देखो थाने,
बहुत तरह के सवाल पूछे गए, उस तो बाद संदीप के बयान भी हो गए होंगे, क्योंकि देखो साडा जिहड़ा कानून है भारत का कानून है उहदे विच एक किसी ना किसी ढंग नाल चाहे वह लीगली चाहे किसी तरह भी वह विमेन फेवर करता है। सो यदा मतलब यह नहीं है कि विमेन गलत गल नहीं कह सकती या बंदे गलत नहीं कर सकते, बंद ने गलतियां कीतियां ने, जो संदीप ने गलती की है तो मैनू लगता है कि संदीप ग्रेजुअली इस तरह की इनिशियल प्रोटेक्शन लेगा तो ग्रेजुअली वह ज्यादा मुश्किल आएगा, इंस्टैड कि वह बिल्कुल साफ स्पष्ट होकर ये इंक्वायरी कोऑपरेट करता है और स्पष्ट होकर अपना बयान देता है और अपना स्टैंड स्पष्ट करता है तो शायद वो बचाव हो सके। लेकिन जिदा 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 दल निकल रही ने, जिमें कंप्लेनेंट लड़की ने कहा है कि उन्होंने थ्रेट भी किया जा रहा, उन्होंने पैसे की भी ऑफर की गई है कि आप 1 करोड़ रुपया तक ले लवे, उन्होंने बाहर विदेश भेज के सैटल कराने की भी गल की गई है। तो जो तुम इस तरह के प्रैशर बिल्ड करोगे तो नैचुरली है शक की जी सूई है वापस थोड़े वाल घूम के आती है, वो फिर लगता है कि तुम क्यों कर रहे हो इस तरह की ऑफर्स वालों या नहीं भी कर रहे जे सपोर्टर कर रहे हैं तो कोई ना कोई गल जरूर होएगी जो तुम उस लड़की बिठाना चाहते हो, उन्होंने साइलेंट करना चाहते हो, उन्होंने न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, उन्होंने विदेश भेजने चांसे दे रहे हो, उन्होंने पैसे देने चांसे दे रहे हो, उन्होंने होर तरह के चांसे दे रहे हो, उन्होंने ईवन थ्रेट भी कर रहे हो। सो ज्यों ज्यों केस लंबा पैंदा जाएगा वो मैं लगता जिन्ना मैं संदीप हरियाणा हाकी शाहबाद मारकंडे हाकी जानता है संदीप कई मुश्किल घटन या नहीं मुश्किल बदनगिया, बिकॉज उतों के जो खबर मिलती ने जो उतों की फीडबैक मिलती रही है और मैं बहुत लंबे समय तो संदीप संदीप के परिवार को संदीप के कोचों संदीप के साथी खिलाड़ियों जानता रहा, बहुत सारी गल्ला सुनता भी रहा, पता भी लगदिया रही ने। सो मैं लगता है कि बेहतरी संदीप की ऐसे में ही हो सक रही है कि वो सीधा स्पष्ट होकर इनकुआरी कोऑपरेट करे, कोशिश करे कि जेडे इस तरह के एलीगेशन लग रहे हैं उन्होंने तो परे रहे और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो दे, उस जल्दी तो जल्दी दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा तो ज जिस धर ने भी गलती की है उन्होंने उसकी बनती सजा मिलनी चाहिए है, चाहे गलती संदीप की है चाहे गलती लड़की की है जिसकी भी लड़की गलती है, बिकॉज जो तुम मीडिया में आ गए हो पब्लिक डोमेन में आ गए हो तो लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए है, लोगों का हक बनता है जानन कि असल असलियत की सी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभजोत जी। दो ये पहलू है ना, एक तो हरियाणे के इलेक्शन आने वाले ने और कोई भी पोलीटिकल पार्टी जी है वह थोड़ी कित रिस्क नहीं लेंदी ऐसे समय दे विच कि सरकार दे खिलाफ कोई मुद्दा बन जाए, और अगर ये मुद्दा अपोजिशन नूं मिलता है अपोजिशन डेफिनेटली लड़की दे नूं इंसाफ मिले या ना मिले उहदे च इंट्रस्टड नहीं होएगी, पर अपोजिशन इस मुद्दे नूं जरूर कैश करन दी कोशिश करेगी जो खट्टर सरकार लई होर मुश्किलां खड़ियां करेगा। दूजा मुद्दा इहदे नाल जुड़ गया है खाप दा, तो उत्थों दी जिहड़ी खाप पंचायतां है वह बहुत स्ट्रोंग एक ऐसा सोशल हालांकि उन्हों का कोई पोलीटिकल या उन्हों का कोई कानूनी तौर पर कोई वड्डा इस तरह का अधिकार नहीं है, पर वैसे उन्होंने दबदबा इन्ना ज़्यादा है खाप पंचायतों का कि उन्होंने कोई भी फैसला उन्होंने जोड़े मैंबर ने वो टाल नहीं सकते, तो खाप पंचायतों भी उठ खड़िया हुई उन्होंने कहा जी साड़ी धी है जी कोच और ये हुई कोई भी बेइंसाफी असं एक्सैप्ट नहीं करा। तो जिस तरह प्रभजोत होर ने कहा ही है कि ज्यों ज्यों मुद्दा गरमाएगा त्यों त्यों खबरों ज्यों ज्यों रहेगा यदा नुकसान खट्टर सरकार नूं भी होएगा संदीप नूं उहदे शख्सियत नूं ते होएगा ही होएगा।